हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे आप सब लोग हैं? और सारे अच्छे होंगे, सब मजे करेंगे अपनी अपनी लाइफ में। तो यार, एक तो यार हमारी वॉशिंग मशीन खराब हो गई, इस पर बनवाने के लिए मैंने बुलाया ये भाई, ठीक कर रहा है इसे, ठीक भी कर देगा। ऐसी गोली देके जाएगा हर बार, इसे ठीक करने के नाम तो और ज्यादा खराब करके चले जा। और क्या पापा बताऊंगा, पापा लड़ेंगे। और क्या ऐसे मिस्त्री ने बुलाया जो खराब करके चले जा है। तो भाई अब हमारा क्या जाएगा, स्कूल हो गया, रेडी है ना भाई? क्या वैन आने वाली है इसकी, साइकिल चला रहा है। कौन लाया साइकिल तेरे लिए? हाँ, आलू के पराठे लेके जाएगा, एक और लेके जाएगा, और ब्रेड भी लेके जाएगा, और सारी चीज लेके जाएगा क्या? ठीक है, वैन आ गई आपकी, ठीक है, रेडी हो गया मुझसे पहले। रास्ते में है, रास्ते में है, ठीक है। एक क्या का मुंह है? मुंह नहीं है। तो चॉक चाहिए? अच्छा, चॉक चाहिए, चॉक चाहिए, ठीक है, खा ले इसको, खा ले। क्यों, मैं पकड़ लूं पीछे से? बता, भारी है ये बच्चा। हाँ भारी तो है, मैं लेके चल रहा हूँ, छोड़ दे इसको। से लगा पड़ा था मैं, वो वीडियो एडिट करने में, वीडियो एडिट हो गई है और अपलोड मैंने कर दिया है। और अभी यार मैंने ना बियर्ड खुद ने सेट करी है, जाके अब कटिंग करा आता हूँ, फिर देखते हैं। और बाहर पेंटर लगे हुए, देखता हूँ क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे। तो वे बाहर यहाँ सारा पेंट कर दिया, इधर की बोल रही है, ये रह गया बाहर का, और सारा इन्होंने कर ही दिया है, ऊपर करने लग रहे हैं वहाँ। आज मेरे गुरुजी जाने के लिए कह रहे कि यार आज जाऊंगा, वो घर जा रहे क्योंकि कोरोना की वजह से, कि कोरोना है ये वो, तो भाग रहे। अभी पहले जैसे आए थे ऐसे ही ये जा रहे, अभी कह रहे पर रुकना नहीं है, इनके घर से कॉल आई है कुछ कि भाई बढ़ रहे केस, तो इस वजह से ये जा रहे हैं। तो आज मैं इनको छोड़ के आऊँगा, या तो सिकंदरपुर छोड़ दूंगा या फिर न्यू दिल्ली छोड़ के आ जाऊँगा, जहाँ से इनकी ट्रेन हो रखी है वहाँ छोड़ाऊँगा। तो भाई मैं अपने गुरु जी से पूछ रहा हूँ भाई, क्यों जा रहे क्यों नहीं जा रहे, तो बताओ गुरु जी काहे को जा रहे, अपने घर क्यों जा रहे हो? अरे भाई घर जा रहा हूँ, बच्चे की तबीयत थोड़ी डाउन चल रही है, खड़ा रोना जा रहा चल रहा है, इसलिए घर जाना पड़ रहा है। क्यों झूठ बोल रहे हैं, क्यों बहाना बना रहे हो? झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो भाई ये कोरोना से डर के जा रहे हैं अपने घर, और कह रहे कि वैसे कि बच्चे की तबीयत वबीयत खराब है, तो इस चक्कर में जा रहे हैं। तो कब आओगे फिर? लगभग एक दो महीने लग जाएंगे वापसी आने में। एक दो महीने? पर वह ऐसी पहले जो बुलाए वो भी ऐसी चलेगी गोली देकर, कहीं कोरोना का लॉकडाउन नहीं लगा, और ऐसी अब तो आप भी शायद ऐसी करके जाओगे। आओगे पक्का? पक्का आऊंगा, 100% आऊंगा। तो भाई इन्होंने बोल दिया आएंगे पक्का। रात की इनकी टिकट है, कितने की? 12 बजे की? जी जी, 12:30 बजे। 12:30 बजे की है न्यू दिल्ली से। तो भाई तो अभी खाना वाना खिला के इन्हें फिर थोड़ा घुमा दूँ इसे, ना गुड़गांव ना घुमाया इन्हें। घूमोगे नहीं घूमोगे? अब कहाँ टाइम है, तो वापसी आएंगे तभी घूमूंगा। चलो फिर ठीक है। तो गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो भाई आज मेरे गुरुजी जा रहे हैं अपने घर, मैं जा रहा हूँ अपने गुरुजी को छोड़ने ही नहीं, ये सिकंदरपुर उतरेंगे, सिकंदरपुर से जाएंगे न्यू दिल्ली, और वहाँ से फिर अपने घर, इनकी 12 या 1 बजे की जो भी इनकी ट्रेन है उससे चले जाएंगे। लेकिन भाई अच्छा भी लग रहा है, बुरा भी लग रहा है। अच्छा इसलिए लग रहा है कि भाई गुरुजी आए, एक ऐसे गुरुजी आए जिनका नाम है इस लाइन में, फिल्म इंडस्ट्री में, वो सिखाने आए मुझे एक्टिंग। और दूसरा बुरा इसलिए लग रहा है कि भाई ये जल्दी ही जा रहे हैं, तो ये थोड़ा लग रहा है। लेकिन मैंने इनकी खातिरवाणी में और वैसे कोई कमी नहीं छोड़ी, अच्छे से। और ये इन्होंने मुझे जो भी कुछ सिखाया अब तक, उस पर मैं अमल करूँगा, और अच्छे से उसका जो एक मेमोरी सेट कर लिया मैंने कि भाई हाँ ऐसे है। तो इन्होंने सच में बहुत कुछ सिखाया मुझे, काफ़ी समय इन्होंने मुझे दिया, और अच्छा लगा मुझे जिस हिसाब से इन्होंने एक्टिंग सिखाई। जो पहले गुरु आए थे उन्होंने भी ऐसे ही सिखाया, और इन्होंने भी थोड़ा हटके मतलब सिखाया, सेम सबका, लेकिन सिखाने का तरीका अलग होता है, लेकिन पास आउट सेम ही थे, वहीं से NST से थे, तो उन्होंने अच्छी एक्टिंग सिखाई। नाम यार मैं नाम इसलिए इनका नहीं लेता क्योंकि
इनका नाम है इस लाइन में, और ये कहते हैं कि यार मुझे ना मतलब आना नहीं है वीडियो में और ना ही उसमें, तो इसलिए ये आ नहीं रहे हैं। मैंने छोड़ दिया है यहाँ सिकंदरपुर, और थोड़ी देर बातें की, उनको खाना भी खिलाया, मैं चलो भी चले जाओ अब तो वो विदा किए। लेकिन यार सच में बहुत अच्छे से एक्टिंग सिखाते हैं वो, अच्छे गुरु है, अच्छा उन्हें ज्ञान है एक्टिंग के बारे में, एक्ट के बारे में, सारे रसों के बारे में कि किस तरह से कौन सा रस किया जाता है, तो मिस करूंगा उन्हें। और भाई सच्ची में दिल खुश हो गया उनके साथ क्लास लेके, वर्कशॉप जो उन्होंने दी मुझे, और लाइफ में आगे बढ़ने की जो टेक्निक उन्होंने दी, बस उन पे मैं फोकस करूंगा। उन्होंने बोल दिया रोजाना करनी है भाई, प्रैक्टिस करनी है रोजाना, इस तरह से नहीं कि भाई जैसे अभी क्लास छोड़ देता है बीच में चला जाता है कहीं शूट पे, या फिर उनको शूट से प्रॉब्लम है, वो कहते कि भाई इस लाइन में आपको आना है तो आप शूटिंग छोड़ दो, मतलब वो थिएटर एज ए थिएटर एक्टर वो काम कराते हैं। अभी आ गए हम घर, मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।